ओम शांति। 18 जनवरी 2010 की अव्यक्त वाणी है। टाइटल है, ब्रह्मा बाप समान नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप बनने के लिए मन का टाइम टेबल बनाकर कर्म करते कर्म योगी अशरीरी बनने का अभ्यास करो। आज चारों ओर के बच्चों में विशेष स्नेह समाया हुआ है। आज के दिन को कहते ही है स्मृति दिवस। बाप दादा ने अमृत वेले से चारों ओर देखा, चाहे देश में चाहे विदेश में, सभी बच्चों के दिल में बाप के स्नेह की तस्वीर दिखाई दी। और बाप के दिल में भी हर एक बच्चे के स्नेह की तस्वीर समाई हुई थी। आज के दिन को विशेष स्नेह का स्मृति का दिवस कहते हो। बाप दादा ने अमृत वेले से भी पहले बच्चों की तरफ से अनेक स्नेह के मोतियों की मालाएं देखी। हर एक बच्चे के दिल में ऑटोमेटिक ये गीत बजता रहा, मेरा बाबा, ब्रह्मा बाबा, मीठा बाबा। और बाप दादा के दिल में ये गीत बज रहा है, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे। आज हर एक के अंदर और शक्तियों के सिवाय स्नेह की शक्ति ज्यादा समाई हुई है। ये परमात्मा स्नेह, ईश्वरीय स्नेह सिर्फ संगम युग पर ही अनुभव होता है। ये परमात्मा स्नेह जो अनुभवी जाने हर एक बच्चों को सहजयोगी बना देता है। बाप दादा ने देखा, सर्व बच्चों में स्नेह का अनुभव बहुत बहुत समाया हुआ है। आप सबका जन्म का आधार स्नेह है। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं दिखाई देता, और शक्तियां कम भी हो, लेकिन बाप का स्नेह या निमित्त बनी हुई विशेष आत्माओं के स्नेह का अनुभव मेजॉरिटी सभी के दिल में चेहरे में दिखाई देता है। अभी आप सबको आज विशेष यहां तक किसने पहुंचाया? किस विमान में आए? ट्रेन में आए या विमान में आए? सबके सूरत में स्नेह के प्लेन से पहुंच गए। कुछ भी करना पड़ा, लेकिन स्नेह के प्लेन में सभी पहुंच गए हो। आज के दिन को स्मृति दिवस कहा जाता है, 18 जनवरी स्मृति दिवस। लेकिन स्मृति दिवस के साथ समर्थी दिवस भी कहा जाता है। आज के दिन को ताजपोशी का दिन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आज के दिन बाप दादा ने, विशेष ब्रह्मा बाप ने, निमित्त बने हुए महावीर बच्चों को विश्व सेवा का ताज पहनाया। ने हाथ में हाथ लेकर प्रकाशमणि दादी और बड़ी दीदी मनमोहिनी दीदी को सभी अधिकार विल किए ना बाबा ने, इसलिए ताजपोशी का दिन भी कहते हैं। बच्चों को करनहार बनाया और स्वयं करावनहार बने। अपने समान फरिश्ते रूप का वरदान देकर लाइट का ताज पहनाया। और बाप दादा ने तो ताज तिलक का वरदान दिया, उसी प्रमाण बच्चों का कर्तव्य देख खुश है। बच्चों ने सेवा का वरदान कार्य में लाया, ये देख बाप दादा खुश है। अभी तक जो पार्ट बजाया है और आगे भी बजाना है, उसकी पदम गुना ब्रह्मा बाप विशेष मुबारक दे रहे हैं। वाह बच्चे वाह! विदेश में भी चक्कर लगाया तो क्या देखा? हर बच्चा स्नेह में समाया हुआ है। जो बाप द्वारा समर्थियां मिली है, क्योंकि ये दिन विशेष स्नेह से समर्थियों का वरदान प्राप्त करने का दिन है। बाप दादा ने देखा, कोई कोई बच्चे बहुत अच्छे लगन में, याद में, सेवा में लगे हुए हैं। अमृत वेला बहुत अच्छी रीति से अनुभव करते हैं, अशरीरीपन का भी अनुभव करते हैं। लेकिन जब कर्मयोगी बनने का समय आता है, तो दोनों काम, योगी का भी और कर्म का भी, दो काम इकट्ठा करने में फर्क पड़ जाता है ना? फिर अशरीरीपन की स्टेज में अनुभूति कम हो जाती। पुरुषार्थ करते हैं कर्म और योग का बैलेंस हो, लेकिन जैसे अमृत वेले शक्तिशाली अवस्था का अनुभव करते हैं,
वैसे कर्म में फर्क पड़ जाता है, मेहनत करनी पड़ती है। और बाप दादा ने सभी बच्चों को कह दिया कि विश्व का विनाश अचानक होना है। अगर सारा दिन अटेंशन के बजाय किसी भी धारणा की कमी होने के कारण कर्मयोगी की स्टेज में फर्क आता है, तो विश्व के विनाश की डेट तो बाप दादा अनाउंस नहीं करेंगे, लेकिन अपना जीवन काल समाप्त कब होना है ये मालूम है? नहीं मालूम ना, कब हमारी श्वास अंतिम होगी? कोई को मालूम है कि मेरी मृत्यु फलानी डेट पर होना है मालूम तो हाथ उठाओ, बाबा कहते हैं। अचानक कुछ भी हो सकता है, कोई प्रकृति का कारण बनता है तो कितने का मृत्यु साथ में हो जाता है। तो विश्व के डेट के संकल्प से अलबेला नहीं बनना, आपकी जगदम्बा का स्लोगन था। तो कभी भी कब नहीं कहो, अब जो करना है अब करना है। बड़ी मम्मा का ये स्लोगन ही था ना, कि हुक्म ही हुक्म चला रहा है, अर्थात ऊपर वाला चला रहा है, जो उसने श्रीमत दी उस पर हां जी का पाठ पक्का रखना है। और दूसरा, हर घड़ी अंतिम घड़ी, कभी भी विनाश होगा, कभी भी मेरी श्वास रुक जाएगी, तो उससे पहले सफल। कल कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे अवर रेडी रहना है। तो इतनी तैयारी सबके अटेंशन में है, बाबा पूछ रहे, हाथ ऊपर करे जो समझते हैं तैयारी। अपना कर्मों का हिसाब चुक तो किया है, चार ही सब्जेक्ट, ज्ञान, योग, सेवा और धारणा, चार ही तरफ, चारों में ऐसी तैयारी है? पूरा बेहद के वैराग्य का अनुभव चेक किया है? अपनी दिल में ये चेक किया है कि एवर रेडी है? नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप, क्योंकि ब्रह्मा बाप ने भी स्वयं को पुरुषार्थ करके ऐसा बनाया जो अनुभवी बच्चों ने देखा। कोई भी तरफ यह वातावरण नहीं था, कोई हिसाब किताब का। अचानक अशरीरी बनने का अभ्यास अशरीरी बनाकर उड़ गए। कोई ने समझा कि ब्रह्मा बाप जाने वाले हैं, लेकिन नष्ट मोहा, बच्चों के हाथ में हाथ होते वहां कहां आकर्षण रही। देखो ब्रह्मा बाबा ने अंत समय में हाथ में हाथ लिया बड़ी बड़ी दीदी और प्रकाशमणि दादी का, और अपनी सारी शक्तियां सारा पावर बिल कर दिया। कोई भी अंश मात्र भी कहीं पर भी रिंचक भी आकर्षण नहीं रही, फरिश्ता बन गए सेकंड में। बच्चों को फरिश्ता बनाने का तिलक दे गए। इसका कारण बहुत समय अशरीरीपन का अभ्यास रहा, इसलिए डबल अंडरलाइन, अशरीरीपन का अभ्यास बहुत काल का जरूरी है। तो बार बार दिन में से बीच बीच में अशरीरी बनने का अभ्यास हम भी पक्का करते रहे। अच्छा, ओम शांति। कल सुबह अमृत वेला 3:30 से 4:30, प्रातः मुरली क्लास 4:45 बजे, और अव्यक्त वाणी पे रात्रि क्लास 9:15 बजे कंटिन्यूटी में। ओम शांति।